नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और ग्राउंड जीरो से आप हमारे स्पेशल बुलेटिन खबरों के खिलाड़ी देख रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अयोध्या से मकसूद खान भी जुड़ेंगे। मैं और मकसूद आपको देश और दुनिया की साथी सियासत से जुड़ी हर एक खबर एक मिनट में दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के खिलाड़ी की, पहली खबर पर नजर डालते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने सभी पार्टियों को सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया और कहा इस बार मोदी योगी ब्रांड चुनाव में काम नहीं करेगा। एक मिनट में ये पूरी रिपोर्ट देखिए आप। हैदराबाद से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी दिल में बड़े अरमान पाले यूपी चुनाव की जंग लड़ने आए थे, लेकिन जब चुनावी समर में लैला अकेली पड़ी तो उसने चुनावी जंग में सांप्रदायिकता को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुस्लिमों को भगवादारियों का खौफ दिखाकर वोट की फसल काटने की चाल चलने लगे। ये अलग बात है कि अपना गिरेवा छोड़कर उन्हें भगवादारी सांप्रदायिक लगते हैं। बीजेपी के बड़े नेता जो है वो सब तो यही कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया जाए। यूपी के महासंग्राम में लैला की जुबान से नफरत भरे सियासी बोलों की बारिश जारी है। सीएम योगी ने जब चुनावी सभा में 80-20 वाला बयान दिया था तो लैला अपनी मजहबी सियासत भूल कर उन्हें ही नसीहत दे रही है। ये चुनाव 80-20 का होगा, 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। ओवैसी ने 9 प्रत्याशियों का ऐलान करके गठबंधन की सियासत के फलसफे को लगभग खत्म कर दिया है। ओवैसी अखिलेश की लाल सेना में शामिल होना चाहते थे, लेकिन साइकिल वाले शोमैन ने ओवैसी की पार्टी को कोई तरजीह नहीं दी, लिहाजा राम और कृष्ण से बैर रखने वाले ओवैसी अब खुद को सेकुलर बताकर वोटों की भीख मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी के दंगल में अलग थलग पड़े ओवैसी एक बार फिर से मुसलमानों का मसीहा बनने का दम भर रहे हैं और एक बार फिर से ये कह रहे हैं कि दरअसल मुसलमानों को 20% मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। एक मिनट में देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में अपनी सियासी जमीन तैयार करने में जुटे ओवैसी ने रैलियों में अपनी जहरीली जुबान से ना अखिलेश को बख्शा और ना सीएम योगी को। कभी सेकुलर वाला तीर छोड़ा तो कभी बाबर वाला राग अलापा। ओवैसी ने एक बार फिर ऐसा ही बयान दिया है। कृष्ण भगवान उनके ख्वाब में आकर बोल दिए कि मुख्यमंत्री बन गए। वो कृषि ने कह दिया कि कृष्ण ने आकर बाबा से कहा कि उनको मथुरा लड़ा दो। यूपी चुनाव में ओवैसी खुद को मुस्लिमों का मसीहा बताने में जुटे हैं। ओवैसी ध्रुवीकरण करने के साथ नया समीकरण बनाने की फिराक में हैं। अखिलेश 20% मुसलमानों के नेता होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी उनके दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हैदराबाद से आकर यूपी में सियासी दाव खेल रहे ओवैसी सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव न लड़ने को हार का डर बता रहे हैं। के टीवी चैनल पर बड़ी जोरों शोर से दिखाया गया था कि वो किसी और विधानसभा से लड़ेंगे, फिर उसके बाद वापस चले गए उसी जगह पर जहां से वो हमेशा लड़ते आए थे। यूपी की चुनावी जंग में ओवैसी अलग थलग पड़ चुके हैं। अब उनके पास ध्रुवीकरण ही इकलौता हथियार बचा है जिसके इस्तेमाल से वो हारी हुई बाजी में अपनी मौजूदगी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में आज बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है जिसमें बचे 231 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी, इस पर मंथन होगा। एक मिनट में आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। आज बीजेपी यूपी के लिए बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों का मंथन करेगी। आज दिल्ली में यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी जिसमें बची हुई 231 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की चर्चा होगी। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति अब तक 172 सीटों पर नाम फाइनल कर चुकी है जिसमें से पहले और दूसरे चरण के 107 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कोर ग्रुप चुनाव में विपक्ष की रणनीति को काट के लिए सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए फैसले ले सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वो सामाजिक न्याय की प्रतीक है। माना जा रहा है कि बीजेपी उम्मीदवारों की आने वाली लिस्ट में ओबीसी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे सकती है और साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों पर ही दाव लगाना चाहेगी। वहीं बैठक में बीजेपी के सहयोगी दलों को भी दी जाने वाली सीटों पर अंतिम फैसला हो सकता है। अपना दल एस और निषाद पार्टी को कितनी सीटों पर लड़ाया जाएगा इसका भी आज ऐलान हो सकता है। वहीं बीजेपी कोर ग्रुप पश्चिमी यूपी को लेकर भी नई रणनीति को अमलीजामा पहना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 23 जनवरी से उत्तर प्रदेश का तूफानी चुनावी दौरा करने जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एक मिनट में देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर 22 जनवरी तक बड़ी रैलियों पर रोक लगाई है, इसलिए जनसभाएं देखने को नहीं मिल रही है। 23 जनवरी से चुनाव प्रचार किस तरह से होगा इसे लेकर चुनाव आयोग नई गाइडलाइन जारी करेगा। इस बीच अमित शाह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यूपी में प्रचार में कूदेंगे। अगले हफ्ते 23 जनवरी से अमित शाह पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। अमित शाह बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रभाव वाले विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मंत्री पद से इस्तीफा देकर SP ज्वाइन करने वाले दारा सिंह चौहान के
प्रभाव वाली सीटों का भी अमित शाह दौरा करेंगे। अगर चुनाव आयोग बड़ी रैलियों की इजाजत नहीं देगा तो अमित शाह इस दौरे में छोटी छोटी सभाएं करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह जगह जगह पर इंडोर रैलियां भी करेंगे और छोटे समूहों को संबोधित करेंगे। तीन मंत्रियों और कुछ विधायकों के बीजेपी छोड़ने के बाद बीजेपी ने चुनाव प्रचार की नई रणनीति बनाई है और इसी एजेंडे पर अमित शाह यूपी का दौरा करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर को अली और बजरंग वाली जो उन्होंने बयानबाजी की है वो भारी पड़ गई है। दरअसल चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस थमा दिया, तो इस पर किस तरीके से उन्होंने पलटी मारी और क्या कुछ कहा, एक मिनट में आप ये पूरे रिपोर्ट देखिए। लोनी में क्या नाम, लोनी में ना अली, ना बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंग बली। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के इसी बयान पर बवाल मच गया है। उनके इस बयान पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए उन्हें नोटिस भेजते हुए 3 दिनों में जवाब मांगा है। उधर नंद किशोर गुर्जर ने सफाई दी है कि किसी भी धर्म के खिलाफ उन्होंने बयान नहीं दिया है। तो मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, इसलिए वो मेरा आस्था का विषय है। तो जहाँ तक अली की बात है, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसमें जो कत्लेआम कराया था, देश का बंटवारा किया था, उस संबंध में हमने बात कही है। हमने कोई बात कही है उसका किसी धर्म से किसी और दूसरे अन्य पॉलिटिक्स में उसका अर्थ लिया जाना गलत। इससे पहले लोनी में मुर्गा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ अभियान चलाकर नंद किशोर गुर्जर सुर्खियों में आ गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने चुनाव प्रचार का अनोखा तरीका अपनाया है। दरअसल जनता को लुभाने के लिए नंदी चाय बेचने वाला बन गए। एक मिनट में देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए रैली और सभाओं पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन नेता अपने तरीकों से लोगों से जुड़ रहे हैं। सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कुछ अलग करने की कोशिश में है। देखिए, यह है योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और इलाहाबाद शहर दक्षिणी सीट से मौजूदा विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जो मैदान में उतर आए हैं। नंदी ने चुनाव प्रचार का अनोखा तरीका निकाला और जनता को रिझाने के लिए चाय बेचने वाले बन गए। नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने एक दुकान पर लोगों को अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। इस दौरान नंदी ऑटो में सवारी करते भी नजर आए। उनके साथ में सुरक्षा में तैनात जवान भी ऑटो के साथ साथ दौड़ लगा रहे थे। आपको बता दें कि नंदी की इस बार भी इलाहाबाद शहर दक्षिणी सीट से दावेदारी मानी जा रही है। हालांकि नंदी का टिकट फाइनल होना अभी बाकी है, लेकिन वो पूरे विश्वास के साथ लोगों के बीच प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इससे पहले भी नंद गोपाल नंदी एक दुकान पर खड़े होकर कचौड़ी छानते नजर आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये बयानबाजियां चल रही हैं। इधर उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में 100 सीटों पर राजा भैया की पार्टी चुनावी मैदान में होगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। हालांकि ये भी कहा कि आने वाले दिनों में छोटे छोटे दलों के साथ वो गठबंधन कर भी सकते हैं। 9 लोगों की लिस्ट भी जारी की है। एक मिनट में आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी विधानसभा चुनाव में बड़ी मौजूदगी दर्ज कराने में जुटी है। राजा भैया ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ चुनाव में दो दो हाथ करने का फैसला किया है। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने यूपी की 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने अब तक 16 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी है। प्रयागराज की 2 सीटों फाफा मऊ और सोराव के उम्मीदवारों का ऐलान भी पार्टी ने किया है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने यूपी चुनाव में गठबंधन के लिए रास्ते भी खुले रखे हैं। उधर राजा भैया को पहचानने से इनकार करने वाले जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा है। लेकिन हम लोग तो बेहतर तरीके से उनको जानते हैं कि वो क्या हैं, और उन्होंने इनकार किया तो उनसे पूछें। और जहां तक गठबंधन की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तमाम छोटे बड़े दल संपर्क में हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की पहली लिस्ट बहुत पहले ही जारी हो गई थी और राजा भैया अपनी पारंपरिक कुंडा सीट से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। समाजवादी गठबंधन को समर्थन के ऐलान के 24 घंटे बाद ही भारतीय किसान यूनियन ने यू टर्न ले लिया है। एक मिनट में देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत के इस बयान पर बवाल मच गया था। खुद को सियासत से दूर बताने वाले बीकेयू ने जब मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना सीट से समाजवादी पार्टी के गठबंधन सहयोगी आरएलडी के उम्मीदवार को समर्थन का खुला ऐलान किया तो टिकैत परिवार से सवाल खड़े हो गए। अब नरेश टिकैत ने यू टर्न लेते हुए कहा कि कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, अब समर्थन की बात वापस लेता हूँ। पर एक जो किसान संयुक्त मोर्चे की वाह है, हम थोड़ा सा उससे उसका जो बंधन है उससे हम थोड़ा सा बोल पड़े फालतू, ऐसे हमें करवाने होता। हम संयुक्त मोर्चे थे, बगल नहीं है, किसान संयुक्त मोर्चा सर्वोपरि है और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होने की।
संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही चुनाव में किसी दल को समर्थन नहीं करने का ऐलान कर रखा है और इसी का हवाला देते हुए नरेश टिकैत ने अब यू टर्न ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तराखंड कैबिनेट से बर्खास्त किए गए मंत्री हरक सिंह रावत आज दिल्ली आ सकते हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक मिनट में ये पूरे रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्री हरक सिंह रावत को बर्खास्त कर दिया है। न सिर्फ मंत्रिमंडल से हरक सिंह रावत को हटा दिया गया है बल्कि बीजेपी ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिकता सदस्य से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से हरक सिंह रावत पर बीजेपी ने चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की है। हरक सिंह रावत पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस नेताओं से बराबर मिल रहे थे जिसके चलते एक्शन लिया गया है। बताया जा रहा है कि रावत अपनी बहू अनुकृति रावत के लिए लैंसडाउन सीट से टिकट मांग रहे थे। बीजेपी ने हरक सिंह रावत की बहू को टिकट देने से इनकार किया तो वो कांग्रेस से संपर्क साधने लगे थे। हरक सिंह रावत ने दिल्ली में सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है और कहा जा रहा है कि आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी के ही पुराने नेता रहे हैं और 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और एक बार फिर वो घर वापसी करते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बाद अब बीजेपी ने भी 14 फरवरी को चुनाव नहीं करवाने की गुजारिश की है। एक मिनट में देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब में 14 फरवरी को एक ही चरण में सभी 117 सीटों के लिए मतदान होना है। 14 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आपत्ति जताई और अब बीजेपी ने भी मतदान की तारीख बदलने की मांग की है। सीएम चन्नी की तरह बीजेपी ने भी अब मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है और 14 फरवरी को होने वाले मतदान को टालने की मांग की है। पंजाब बीजेपी ने पत्र में कहा, 16 फरवरी को रविदास जयंती है और इस मौके पर दलित समुदाय के लोग बहुत से लोग वाराणसी जाएंगे। पंजाब में गुरु रविदास जी को मानने वाले दलित समाज के बहुत से लोग रहते हैं और गुरु पर्व मनाने के लिए लाखों की तादाद में लोग वाराणसी जाएंगे। ऐसे में भारी संख्या में लोग मतदान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, इसलिए 14 फरवरी को होने वाले मतदान को स्थगित किया जाना चाहिए ताकि दलित समुदाय के लोग वोट देने से वंचित न रह पाए। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने भी रविदास जयंती का हवाला देकर 14 फरवरी को होने वाले मतदान को 6 दिनों के लिए टालने की अपील की थी। अब देखना है कि चुनाव आयोग पंजाब में मतदान की तारीख को लेकर क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अलवर के चर्चित निर्भया कांड की वजह से निशाने पर आई गहलोत सरकार ने आखिरकार अब सीबीआई जांच की सिफारिश की है। एक मिनट में आपके पूरे रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के अलवर में दिव्यांग नाबालिग से हुए दुष्कर्म मामले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश करने का फैसला किया गया है। लगातार विवाद बढ़ने के बाद अशोक गहलोत सरकार ने आखिरकार मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। जल्द ही राज्य सरकार केंद्र को सीबीआई जांच की सिफारिश भेजेगी। खुद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सीबीआई जांच के फैसले की जानकारी दी। दिव्यांग नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में 7 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले पर हमलावर है। उधर रविवार को अलवर गैंगरेप केस के विरोध में कई जगहों पर प्रदर्शन भी किए गए। अलवर में छात्राओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। पीड़ित के परिवार वालों ने पुलिस के बार बार बयान बदलने पर सवाल उठाए थे। दरअसल अलवर पुलिस ने पहले इसे सामूहिक दुष्कर्म का मामला बताया था लेकिन बाद में अपने ही बयान से पलटते हुए इस मामले में दुष्कर्म के कोई सबूत नहीं होने की बात कही, जिसके बाद अलवर पुलिस पर ही सवाल उठने लगे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में छत्तीसगढ़ की एक युवती से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक मिनट में देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की युवती को मेट्रोमोनियल साइट पर दोस्ती करना इतना महंगा पड़ गया कि उसका सम्मान ही नहीं जीवन भी दांव पर लग गया। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है जहां छत्तीसगढ़ की रहने वाली 32 साल की एक युवती ने मेट्रोमोनियल साइट पर इंदौर के राजेश विश्वकर्मा नाम के युवक से दोस्ती की। आरोपी युवक युवती को शादी का झांसा देकर अपने साथ इंदौर ले आया और अपने फार्म हाउस पर करीब 1.5 महीने तक बंधक बनाकर अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर गैंग रेप किया। चारों आरोपियों ने पीड़िता के साथ बर्बरता की सारे हदें पार कर दी, यहां तक कि उसे सिगरेट से जलाया। पीड़िता की रिपोर्ट पर चारों आरोपियों को गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। युवती शनिवार को वापस इंदौर लौटी और पुलिस में मामला दर्ज कराया। महिला की शिकायत के बाद इंदौर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रसिद्ध कथक सम्राट और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज ने 83 साल की उम्र में दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली। एक मिनट में आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए। भारत और पूरी दुनिया में अपने कथक के लिए मशहूर पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। 83 साल के पद्म विभूषण बिरजू महाराज को लखनऊ में हार्ट अटैक आया। इसके बाद देर रात दिल्ली के अस्पताल में बिरजू महाराज को भर्ती कराया गया जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। बिरजू महाराज के पोते सौरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके निधन की जानकारी दी।
लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का असली नाम पंडित ब्रजमोहन मिश्रा था। वो कथक कलाकार के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। कथक सम्राट बिरजू महाराज को साल 1983 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। साथ ही संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान के साथ साथ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीं साल 2016 में बाजीराव मस्तानी के एक गाने की कोरियोग्राफी के लिए भी बिरजू महाराज को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। बिरजू महाराज के निधन की खबर मिलने के तुरंत बाद गायक अदनान सामी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।